वेलकम गाइस टू लाल बाग नर्सरी. दिस इज़ द ओल्डेस्ट नर्सरी इन बैंगलोर. 1964 में बनाया गया था इसे और आज आप तड़का ट्रैवलर्स के साथ इसे घूमेंगे. पहला वैरायटी ऑफ प्लांट जो मैं आपको दिखाऊंगा दैट इज़ जेड जेड प्लांट. ये देखिए इनका थोड़ा लेमनिक ग्रीन कलर है. ये दीज आर हाउस प्लांट्स एंड दीज प्लांट्स आर अरेका पाम का ड्वार्फ वैरायटी. देखिए इतने सारे हैंगिंग प्लांट्स की वैरायटी है यहाँ पे. घर असली में बहुत सुंदर बन सकता है यहाँ पे अगर आप आएंगे शॉपिंग के लिए प्लांट्स की. ये जो बैम्बू जैसे स्टिक्स है हमेशा मैं सोचता था कि ये क्या है. ये अभी मुझे आज पता चला है दीज आर मॉस स्टिक्स जो क्लाइंबर होते हैं. क्लाइंबर प्लांट्स जो बेसिकली जैसे बेल कहा जाता है हिंदी में मनी प्लांट्स की तरह. वो उनको वहाँ उनके यहाँ पे मॉस स्टिक लगाते हैं कि उनकी मदद से जो क्लाइंबर्स है देखिए अब बेल है जो चढ़ रही है तो इसी के लिए लगाया जाता है. आज मुझे ये मिस्ट्री का अंत हुआ है. मुझे पता चल गया है कि क्या होता है. ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे ये समझ के. न्यू नॉलेज इज़ ऑलवेज इनवाइटेड. सो दीज आर द सेकुलेंट सेक्शन ऑफ द नर्सरी. ये जो सेकुलेंट प्लांट्स हैं आप देख सकते हैं इतने सुंदर. इनके जो लीव्स हैं काफ़ी मोटे मोटे होते हैं एंड इनका एंड ये वाटर भी काफ़ी कम यूज़ होता है. इसमें काफ़ी कम पानी डाला जाता है. ये इसके लिए होता है क्योंकि ये जो मोटे लीव्स हैं ये काफ़ी वाटर रिटेन कर लेते हैं तो दे डू नॉट नीड मच वाटर. ये जो गुलाब स्ट्रक्चर में एस्चिरिचिया दिस इज़ द नेम ऑफ दिस वैरायटी ऑफ प्लांट काफ़ी ब्यूटीफुल है. आप देख सकते हैं बिल्कुल गुलाब जैसी इसकी जगह शक्ल है. सी ये भी कितना ब्यूटीफुल है. दिस इज़ ऑल्सो एन एस्चिरिचिया कैटेगरी ऑफ प्लांट. ये है कैक्टस. ये है हेवॉर्थिया. हेवॉर्थिया की वैरायटीज़ है आप देख सकते हैं ये सारी. इनके जो प्लांट्स हैं इतने खिले खिले इसलिए होते हैं क्योंकि दे सो दैट मोर ऑफ देयर सरफेस एरिया इज एक्सपोज टू द सन. ये देख सकते हैं ये सकुलेंट प्लांट ऐसे कैबेज की तरह लग रहा है बट कैबेज नहीं है ये. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सकुलेंट प्लांट्स का कितना तगड़ा कलेक्शन है. आई थिंक बैंगलोर में इससे ज़्यादा कलेक्शन नहीं होगा सकुलेंट प्लांट्स का. ये जो वाइट लीव्स वाले प्लांट है दीज आर पीस लिलीज. दीज आर शो प्लांट्स हाउस प्लांट्स. आप इसको घर पे रख सकते हो. दे आर अराउंड 150 रुपीज़ हेयर. देखिए कितने सारे प्लांट्स हैं यहाँ पे. सच अ ब्यूटिफुल नर्सरी. आराम से ईजली द बिगेस्ट नर्सरी इन बैंगलोर. ये पीस लिली की बड़ी वैरायटी है आप देख सकते हैं. काफ़ी बड़ा सफ़ेद पत्ता है और ऊपर ये जैसे राइस होता है वीट की तरह भी लग रहा है पर ये है पीस लिली. आई मे बी साउंडिंग वेरी डम वाइल टॉकिंग अबाउट प्लांट्स. मैं भी नया नया सीख रहा हूँ बट आई हैव इंटरेस्ट अबाउट देम. काफ़ी सही होते हैं. घर पे आप रखते हो तो काफ़ी पीसफुल फील होता है आपको. सो इट्स अ गुड हॉबी टू कीप हाउस प्लांट्स एंड नो अबाउट देम एंड हाउ टू लाइक वाटर देम. ये हैंगिंग प्लांट्स है ये भी काफ़ी सही है. मुझे ये काफ़ी सुंदर लगा है ये वाला. इसको हम ज़रूर लेंगे. ये फर्न्स की वैरायटी है. फर्न्स के जो छोटे होते हैं विच आई नो दे आर कॉल्ड फॉक्स फर्न्स एंड दीज आर द बिगर वैरायटीज ऑफ फर्न्स. काफ़ी सही होते हैं कॉरपोरेट में घरों में मैंने देखा है शो के लिए लोग रखते हैं ऐसे. काफ़ी सुंदर प्लांट्स है. ये थोड़ा डिसएडवांटेज आप कह सकते हो. हम दिल्ली वाले लोग तो काफ़ी बार्गेनिंग करते हैं पर यहाँ पे फिक्स रेट है नो डिस्काउंट. ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो 150-200 के हैं इस साइज़ के एंड देख सकते हैं इसके जो प्राइजेस भी लिखे हैं 370 का है तो वो सब ऐसा है. और जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं
दोज आर लाइक 500। यहाँ पे आपको ट्रॉली भी मिलती है ऐसी प्लांट्स को रखने के लिए। दीज आर ब्यूटिफुल शो केस प्लांट्स, ये अराउंड 3500 के हैं। इफ़ आई एम नॉट श्योर शायद एलिफेंट प्लांट्स बोलते हैं इन्हें, आई हैव टू आस्क समवन, बट दीज आर ब्यूटिफुल। इस नर्सरी का हर कोना ही ब्यूटिफुल है। अच्छा तो गाइस मुझे पता चला है कि इन प्लांट्स का नाम बॉन्साई प्लांट्स है। मैंने पहले इसे थोड़ा एलिफेंट प्लांट्स बोल दिया था, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। काफ़ी ब्यूटीफुल हाउस प्लांट्स होते हैं ये, कितने मोटे मोटे, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये फ्रूट का सेक्शन है यहाँ पे, ये देखिए दिस इज अनार का पेड़, अनार का पौधा। These are mango trees. ये है चीकू का पेड़, इसे सपोटा कहा जाता है यहाँ पे। ये है गुआवा का पौधा एंड दिस इज ड्रमस्टिक। ये है लेमन का पौधा, देखिए लेमन भी लगा हुआ है। देखिए ये भी एक लेमन का, इतना बड़ा लेमन। और ये जो कलरफुल प्लांट्स आप देख रहे हैं दूर दूर तक, दीज आर क्रोटॉन्स, सच अ ब्यूटीफुल प्लांट। ये मेरा प्लांट मैंने रखा था घर पे, बेचारा मर गया, काफ़ी बुरा लगा था। आई विल बाय वन टुडे फ्रॉम हियर। देखिए क्रोटॉन्स पास से, देखिए इतने सारे अरेका पाम, और साथ में अनु मलिक का गाना भी चल रहा है। यहाँ पे देखिए आपको प्लांट्स लेके जाने के लिए ऐसी गाड़ी मिलती है। ये जो गाड़ी में हमने अपने, अभी मैंने दो प्लांट्स रखे हैं अपने, एक सकुलेंट और एक ये हैंगिंग वाला। ये जो ग्रीन यूनिफॉर्म में आपने आंटी देखी है जो ये खींच के लेके जा रही है, वो यहाँ दे बेसिकली इनका काम है कि ये मतलब जो ये ट्रॉली है, अगर आपने कुछ ख़रीदा है तो वो लेके जाते हैं साथ में, एंड दे हेल्प यू टू कीप इट इन योर गाड़ी एंड ऑल, एंड दे चार्ज नॉमिनल फी, 100-200 रुपये लोग दे देते हैं इन्हें। ऐसा लग रहा है कि ट्रॉपिकल जंगल अमेजन फॉरेस्ट से जा रहा हूँ मैं। एंड गाइस दिस इज़ द एंड ऑफ दिस ब्यूटिफुल ग्रीन वीडियो। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल तड़का ट्रैवलर।